अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, आज मैं जो चीज़ बना रहा हूँ ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है और नई है। शायद कुछ दोस्तों ने इसको पहले ना खाया हो और ना देखी हो। और ये है मुर्गी के लेग पीस। इनको थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टाइल में हम आज बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ली हैं 14 तक हमारे लेग पीस हैं, आधा लीटर दूध है, 200 ग्राम ब्रेड क्रम्स हैं, 2 अदद अंडे हैं, इनको बाद में हम फेंट लेंगे, और ये मैदा है तकरीबन 50-60 ग्राम होगा, नमक 2 चमचियाँ, मिर्च है दादर तकरीबन 2 चमचियाँ है, ये अदरक का पाउडर है तकरीबन 1 चमची और धनिया पाउडर 1 चमची। तो आए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेग पीस जो है वो इस बर्तन के अंदर रख लेंगे सारे के सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेग पीस के ऊपर इसका चमड़ी जो है वो हमने उतारी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। इनको इस तरह से रखना है कि बाद में इनको थोड़ा सा इनकी साइड भी एक दो दफ़ा चेंज करनी है। यह देखिए माशाल्लाह, अभी मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ दूध। दरमियानी आ गया हमारी, इसको तकरीबन 7 मिनट के लिए हम उबालेंगे और दरमियान में एक दो दफ़ा इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखते हैं 7 मिनट के बाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 7 मिनट लेग पीस को उबालने के बाद हमने बाहर निकाल लिया है और ठंडे भी कर लिए हैं। उधर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मैदा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल लेते हैं जो पहले मैंने बताई थी आपको। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्स आप घर में भी बना सकते हैं और मार्केट से भी आसानी से मिल जाते हैं। इसकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे घर में कैसे तैयार करते हैं इसको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई हैं, ये देखें। जी सबसे पहले हम इसको अंडे के अंदर डुबोएंगे। ये देखें, अंडे को हमने फेंट लिया अच्छी तरह से। अभी हम इसको ऐसे लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा आप दबा भी सकते हैं इसको ताकि ये सही तरीके से लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें बहुत अच्छे तरीके से लग गया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अभी हम इसको तेल के अंदर रखते हैं। आपको हमने थोड़ा सा तेल कर लिया, अभी बाद में इसको मद्धम कर लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे।
थोड़ा सा हिला देते हैं इसको। आयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, थोड़ा कम गर्म था। अभी आग को हमने तेल किया है, थोड़ी देर के बाद हम ये आग को हम मध्यम कर देंगे। ये देखें, आग को मैंने अभी मध्यम कर दिया, थोड़ा सा दरमियानी आँच है, और 10 मिनट के बाद हम इनको इंशाल्लाह बाहर निकालते हैं। वक्त वक्त से इसको हिलाते जाएंगे, थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हमारे हो गए हैं जब से हमने इसको फ्राई करना शुरू किया था। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी, और बहुत अच्छे तरीके से ये पक गया है। इसी तरह से हम सभी को पका लेंगे और बाद में आपको इंशाल्लाह आखिरी लुक इसकी बताएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे लग पीस हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। ये देखें माशाल्लाह अंदर तक गल भी गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े के बने हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जिन जिन दोस्तों ने खाए हैं कैसे हैं, और जिन्होंने नहीं खाए वो भी बना के खाएं और बताएं कि कैसे बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने थोड़ा सा चखा है। तो आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगली वीडियो आने तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा। तब तक अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।